पॉल्यूशन एक ऐसा टॉपिक जिससे हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन हम सभी कहीं ना कहीं इसे इग्नोर करते जा रहे हैं। देयर आर सो मेनी पॉल्यूशन इन आवर करेंट सिचुएशन। तो आइए इस वीडियो में उन्हें एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है पानी का पॉल्यूशन। भारत की 603 नदियों में से 279 एकदम पोल्यूटेड है। दूसरा, हवा का पॉल्यूशन। हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों के आधार पर हवा की क्वालिटी देखी जाती है। इसमें मौजूद सूक्ष्म कण PM2.5 शरीर को नुकसान पहुंचाता है। ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं। साल 2019 में दुनिया भर में करीब 90 लाख लोग पॉल्यूशन की वजह से वक्त से पहले मर गए। वहीं अपने भारत देश में हवा के पॉल्यूशन के सबसे ज्यादा जिम्मेदार इंडस्ट्रीज हैं। इनकी भागीदारी करीब 50% के करीब है। साल 2019 में हवा के पॉल्यूशन की वजह से भारत के करीब 16 लाख लोगों की मौत हुई। तीसरा है लाइट पॉल्यूशन। साल 2011 से 2022 तक आसमान की ब्राइटनेस में 7-10% की बढ़ोतरी हुई है। शायद आपने नोटिस किया होगा, शहरों में सड़कों पर या इमारतों के आसपास तेज रोशनी होती है। इसकी वजह से रात को आसमान के तारे भी नहीं दिख पाते हैं। अंधेरा सबके लिए जरूरी है, वरना नींद का चक्र बिगड़ जाएगा, जिससे तनाव बढ़ेगा और सेहत तो बिगड़ेगी ही। यही नहीं, जानवरों की प्रवास, प्रजनन और बर्ताव पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे इकोसिस्टम प्रभावित होता है। चौथा, मिट्टी का पॉल्यूशन। केमिकल खेती की वजह से मिट्टी भी अपनी उर्वरक शक्ति खो रही है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि मिट्टी खराब होने की मौजूदा दर से धरती का 90% 2050 तक रेगिस्तान में बदल जाएगा। मतलब अगर इसी तरह से केमिकल की खेती होती रही तो आने वाले साल हमारे लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। पांचवा, नॉइज पॉल्यूशन। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिन के वक्त 45 डेसिबल से अधिक का शोर नॉइज पॉल्यूशन माना जाता है। साल 2030 तक भारत में कम सुनने की क्षमता वाले लोगों का आंकड़ा 13 करोड़ तक हो सकता है। और ये शोर होता कैसे है? गाड़ियों की हॉर्न की तेज आवाज, रेलवे, एयरक्राफ्ट, लाउड स्पीकर से यह शोर उत्पन्न होता है। आइए अब कुछ कचरों के बारे में बात करते हैं। धरती का कचरा। सबसे ज्यादा कचरा प्लास्टिक से हो रहा है। इसके पार्टिकल धरती में, पानी में, हवा में और अब हमारे खून तक में घुले हुए पाए जा रहे हैं। पिछले 28 सालों में प्लास्टिक का यूज 20 गुना तक बढ़ा है। 60% हिस्सेदारी सिंगल यूज प्लास्टिक की है। अंतरिक्ष में भी कचरा। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी बहुत सारा कचरा फैल रहा है। साल 1957 में अंतरिक्ष में पहली बार सैटेलाइट रॉकेट स्पुतनिक भेजा गया था। उसके बाद से लेकर अंतरिक्ष में विज्ञान में कितने ही प्रयोग हो रहे हैं, कुछ कामयाब होते हैं और बाकी नाकाम। उन सब का कचरा अंतरिक्ष में ही घूम रहा है। आप ये जानकर बहुत ही हैरान हो जाओगे, पूरे 9300 मीट्रिक टन मलबा है अंतरिक्ष में। यानी कि अंतरिक्ष में कचरा 9300 मीट्रिक टन है। अंतरिक्ष में बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो, वहाँ पहुँचे केवल 4000 सैटेलाइट ही ठीक से काम कर रहे हैं, यानी बाकी के सब वेस्ट। तो दोस्तों, आपको इस टॉपिक के बारे में जानकर कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। और क्या आप इन डिफरेंट टाइप्स के पॉल्यूशन के बारे में पहले से जानते थे, वो भी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए और खासकर हमारे एनवायरमेंट का भी।